आज हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग जान सकें कि लोग लॉ की फील्ड को इतना बुरा क्यों जानते हैं और बहुत सारे लोग इस लॉ की फील्ड को ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? अहमद खान। अहमद खान जी सर। अहमद खान, आपने लॉ की फील्ड क्यों ज्वाइन की? सर, लॉ की फील्ड इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये मेरे हमारे फैमिली का भी एक मतलब एक पेशा कह सकते हो। मेरा अबू भी एडवोकेट है और मेरा चाचू भी एक एडवोकेट है, तो उनको देख करके उनसे इंप्रेस होकर के लॉ की फील्ड में गया। माशाल्लाह, लेगेसी को फॉलो करना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर। तो अहमद खान, हमें सिर्फ इतना गाइड करें कि हम आप अभी अभी एक लॉ की फील्ड में ज्वाइन किया है तो बहुत से लोग लॉ की फील्ड को लाइक नहीं करते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि लॉ की फील्ड को ज्वाइन करें कि ना करें? सर, लॉ की फील्ड एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, इसमें आप माशरे का एक खिदमत भी कर सकते हो, खिदमत के उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हर किसी को चाहिए कि मतलब हर किसी को नहीं, जिसको इंटरेस्ट है उनको चाहिए कि वो इस फील्ड में आ जाए और इसमें आप लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो, माशरे का खिदमत भी कर सकते हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके। सो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करेंगे कि लॉ की फील्ड को अगर आप एक लफ्ज़ में डिफाइन करना चाहें तो आप किस तरह करेंगे? सर, इसको मैं डिफाइन करूँगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, थैंक यू अहमद खान, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, आपका नाम? ज़रीना। कौन से सेमेस्टर में आप? फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर, तो मतलब आप सीनियर होगी यहाँ की। तो आप ये तो बताएं कि आपने लॉ की फील्ड क्यों ज्वाइन की? इसलिए कि अवेयरनेस पैदा हो, क्योंकि बहुत कम लड़कियाँ जो इस फील्ड की तरफ आती हैं। हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट देखा है कि लड़कियाँ लॉ की फील्ड को ज़्यादा लाइक नहीं करती, मेडिकल में जाती हैं, कोई फार्मेसी में चली जाती है, कोई DPT में, तो लॉ की फील्ड को ज़्यादा लोग इन्जॉय नहीं करते और ज्वाइन करना भी नापसंद समझते हैं। आपने ऐसा क्या स्टेप लिया कि आपके फैमिली वाले भी राज़ी हो गए आपको लॉ की फील्ड ज्वाइन करने के लिए? स्टेप ये मेरी अपना ही शौक था आने का, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो मेडिकल में जाती है, तो लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए, कुछ अलग भी करना चाहिए। तो आइडल किसे मानती हैं आप लॉ की फील्ड का? आसमा जहांगीर को। आसमा जहांगीर, वन ऑफ द मोस्ट वुमन एक्टिविस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो अगर आपको हम लोग ये पूछ रहे हैं आजकल जो लड़कियाँ अगर आना चाहती हैं इस फील्ड में, तो आप उनको क्या गाइडेंस देनी चाहिए? ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा फील्ड है, नॉलेजेबल है, इनक्रेजेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे बाहर के अफवाहें हैं, बहुत अच्छा फील्ड है। सो लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन कि कॉमन सेंस कैसा होता है लॉयर्स का? अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, कॉमन सेंस पे ही जज करेंगे। और लास्ट वर्ड कि आप ये बताएं कि लॉ की फील्ड को एक वर्ड में डिफाइन करें। किसी को भी उसका हक देना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का करम है। आपका नाम? अल्ताफ। अल्ताफ, अल्ताफ भाई आप कौन से सेमेस्टर में? सेवन सेमेस्टर है। सेवन सेमेस्टर में, तो अल्ताफ भाई आप तो बहुत सीनियर हो के इस कॉलेज के हो गए ना? बिल्कुल जी। तो थोड़ी सी गाइडेंस दें कि आने वाले जो लोग हैं वो लॉ की फील्ड को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं और इतने लाइक नहीं करते हैं, आप उनको किस तरह अवेयर करना चाहते हैं कि लॉ की फील्ड क्या है और क्यों है, हम लोग उसको ज्वाइन करना चाहिए? आने वाले लोगों का एक तो सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उन्हें कोई गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है कि लॉ के हवाले से उन्हें बताए कि लॉ की फील्ड क्या होती है और इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और आगे इनको क्या इसमें फ़ायदे हो सकते हैं, तो लोग इस वजह से इस फील्ड को नहीं आते। तो हमारा यही होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें, किसी स्कूल में इस तरह के सेमिनार्स रखें और लोगों को गाइड करें कि लॉ के फील्ड के बारे में, और जिससे ये कि एक तो लॉ का फील्ड का आजकल सबसे बड़ा स्कोप यही होता है कि लोग इसमें CSS में ज़्यादा ईजिली अपेयर हो जाते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा इसको प्रेफर करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए। माशाल्लाह, बहुत यूज़फुल आपकी इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा आप अपना आइडल तो बताएं कि आपको लॉ की फील्ड क्यों अच्छी लगी, आपने क्यों ज्वाइन की? लॉ की फील्ड मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि माशरे में जो जुल्म होता है लोगों के ऊपर, जिसमें नाइंसाफियाँ होती है, जिनको लोगों को जस्टिस नहीं मिलता, तो इन सब की वजह से तो मेरा यही वो रहा कि हमेशा गरीबों की हेल्प करूँ ताकि किसी एक को तो मैं इसमें से इंसाफ मिल सके। माशाल्लाह, बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके। और लास्ट में आपसे एक सवाल है कि लॉ की फील्ड को आप अगर एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या करेंगे? लॉ की फील्ड को मैं एक लफ्ज़ में, लॉ की फील्ड तो बहुत वसी है लेकिन एक लफ्ज़ में कहूँ तो पार्ट टू जस्टिस। थैंक यू अल्ताफ़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम? मोहम्मद उसामा। उसामा भाई, उसामा भाई कौन से सेमेस्टर में आप? जी मैं अभी फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। तो लॉ कॉलेज ज्वाइन करने की खास वजह? देखिए, वजूहत तो कई वजूहत होते हैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जब आप आते हैं तो जब आप FSC पास करते हैं तो आपके साथ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट आपका माइंड सेट होता है कि मैंने BBS ज्वाइन करना है, लेकिन अगर वो ना हो फिर इकॉनमी, फिर अगर आप देखा जाए कि लॉ कॉलेज यानी जो LLB का फील्ड है वो इन सब से मुझे अच्छा लगा क्योंकि लोग जो कहते हैं वो लॉ अच्छा नहीं, लेकिन मुझे इन सब दूसरे डिपार्टमेंटों से मुझे लॉ जो है अच्छा लगा क्योंकि कुछ ख़ास वजूहत ये भी है कि मेरे जो कुछ अंकल्स वगैरह है वो भी इस लॉ फील्ड से गुजर के कुछ एक बड़े अहदे पे फायज हैं, तो अहदे को हट करके देखा जाए तो उसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे मिलते हैं जो हमें इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह अल्लाह हमें अता करें। तो आप किसको अपना आइडियल मानते हैं इस लॉ की फील्ड में? देखिए, आइडियल तो एक ख़ास बंदे को अपना आइडियल नहीं रख, पहले आपने
मैं जब इम्प्रेस हुआ तो पहले अपने अंकल से इम्प्रेस हुआ, क्योंकि उसने ला की थी यहाँ से, फिर सेशन जज लग गया, फिर वहाँ पे उसने एक मजिस्ट्रेट लग गया इसी ला के बदौलत। लेकिन आइडियल तो यानी देखा जाए मेरा तो फिलहाल तो मेरा चाचा है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना इंट्रोडक्शन कराएं थोड़ा। मेरा नाम है मोहम्मद सुबहान, फिफ्थ सेमेस्टर में मैं हूँ, इनरोल हूँ। और माशाल्लाह फिफ्थ सेमेस्टर, तो एक ऑफ द सीनियर सेमेस्टर में बिलोंग करते हैं। सीरिया से सीनियर सीनियर हैं। तो सुबहान सर, आप थोड़ा सा गाइड करें कि बहुत से लोग लॉ की फील्ड को अच्छा मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं मगर सोसाइटी प्रेशर की वजह से उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको उनको गाइड करें कि क्या स्टेप वो लें ताकि वो इस फील्ड को ज्वाइन कर सकें। जी बिल्कुल, अक्सर लोग लॉ की फील्ड को इस वजह से मतलब बुरा भला कहते हैं कि वकील है सिर्फ स्टूडेंट का वो है, लेकिन मेरा जो पर्सनल वो है कि नहीं, क्योंकि वकील का जो ज़्यादा से ज़्यादा काम है कि वो अपना केस डिफेंड करता है और उसका जो बाकी हम क्या कह लें उससे ताल्लुक ही नहीं होता कि हम उन्हें पर्सनल ले लें या कुछ ज़्यादा वो कर दें, लेकिन वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करता है और अक्सर हमको जो है फैक्ट से हम नाचना होते हैं, तो इसी वजह से हम लोग सही अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं पाते। तो चलो, ये आपके बहुत अच्छे यूज़फुल थॉट थे लोगों के लिए कि उनके इस फील्ड को क्यों ज्वाइन किया जाए। तो लास्ट मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ, उसमें से ये है कि आपका आइडल कौन है जिस फील्ड को ज्वाइन किया आपने? सर मेरा आइडल जो है नईम बुखारी साहब है। नईम बुखारी साहब जी काफ़ी डैशिंग और पर्सनैलिटी है, तो काफ़ी इंशाल्लाह कुछ सीखने को भी मिलेगा। मतलब आपने उन्हीं को ज्वाइन करना है आगे? इंशाल्लाह बिल्कुल। हाँ, तो लास्ट में आप मुझे लॉ की फील्ड को जो एक वास्ट फील्ड है उसको एक वर्ड में डिफाइन कर दें। जस्टिस, इंसाफ। जस्टिस। थैंक यू सुबहान। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद साहब, तनवीर अहमद साहब कौन से सेमेस्टर में आप? मैं सेवन्थ सेमेस्टर में। सेवन्थ सेमेस्टर में। तनवीर अहमद साहब, क्या पर्पज़ क्या था कि आपके लॉ की फील्ड को क्यों ज्वाइन किया और आपका आइडल कौन है इस फील्ड में? इस फील्ड में मेरा आइडल, मैं तकरीबन काफ़ी टाइम से एतजाज़ हसन को देख रहा हूँ, जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका जो बात करने का तरीका है, जो वो स्टेटमेंट देते हैं, जो वो हवाले देते हैं, वो तकरीबन मेरे काफ़ी दौर से मेरे आइडल रहे हैं, तो इसलिए मैंने लॉ की फील्ड ज्वाइन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके स्कोप बहुत हाई हैं। तो आप ये बताएं कि आने वाले जो लोग हैं, बहुत से लोग लॉ की फील्ड को पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं लॉ फील्ड एक अच्छी फील्ड नहीं है, तो आप उसको किस तरह उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि लॉ की फील्ड को आप वो ज्वाइन करें और इस फील्ड को प्रमोट करें? मेरे ख्याल में ये तो गलत लोगों का मंशूर है कि लॉ फील्ड अच्छी फील्ड नहीं है। लॉ फील्ड काफ़ी वास्ट फील्ड है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर पाकिस्तान के हालात आपको पता है, काफ़ी गाइडेंस मिलेगी लोगों को, आप काम कर सकते हैं, कौन खिदमत कर सकते हैं इस फील्ड में, तो आई थिंक काफ़ी अच्छी फील्ड है, लोगों को इस पर आना चाहिए और इनमें जितने तादाद ज़्यादा होगी उतनी हमें एजुकेशन में इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि लॉ फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ कि लॉ की फील्ड को एक लफ्ज में डिफाइन करें तो आप कर सकते हैं? आई विल से लॉ इज़ अ फील्ड ऑफ वास्ट अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम है अब्दुल वहीद और LLB फर्स्ट सेमेस्टर की का स्टूडेंट हूँ। आप माशाल्लाह, आप नए सेमेस्टर में आप ये ज्वाइन हुए हैं, तो आप जानते होंगे कि किस तरह इस फील्ड को ज्वाइन करना है, तो उस बारे में थोड़े से लोगों को गाइड करें कि क्या स्टेप्स लिए आपने उस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए और इस लॉ कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए? बेसिकली मैं इंटेंशनली तो इस फील्ड में नहीं आया, शुरू में ये था कि मैंने मेडिकल के लिए अपनी प्रिपरेशन वगैरह की थी, लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ और इस फील्ड को समझने के बाद और यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर होने के बाद, तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो भी हुआ है बहुत ही मेरे साथ फॉर्चुनेट हुआ है और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत थॉटफुल है आपके व्यूज़। अगर इतने सब गाइड करें कि आपने जो ज्वाइन किया है, आप किसको अपना आइडियल किसको मानते हैं? मेरा जो आइडियल है वो बलूचिस्तान के लेवल पे जो है जो प्रोफेसर जो हमारे बैरिस्टर गुजरे हैं शहीद अमाना चिकजई, वो मेरे आइडियल है और मैं ख़ुद ये चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड को LLB तक ना रखूँ, मैं और आगे भी इसमें काम करूँ, LLM और जो बारेट लॉ है उसके लिए भी अप्लाई करूँ। माशाल्लाह। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप लॉ की फील्ड को एक वर्ड में डिफाइन करने का अगर आपको मैं टास्क दूँ तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे? बहुत ही लॉ के लिए लीगल जो फर्टर्निटी है वहाँ पर एक टर्म बड़ा मशहूर है कि इट इज़ फील्ड ऑफ और इट इज़ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। थैंक यू। थैंक यू।
सो गाइस, ये था आज का हमारा दिन इस यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज में। बहुत ही अच्छा गुजरा, बहुत से नॉलेज हमें हासिल हुआ, बहुत से आने वाली नस्लों के लिए पता चला कि वो लॉ की फील्ड को क्यों ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेश माइंड के साथ हमने मालूम किया, बहुत पुराने लोगों से मालूम नहीं किया, जो इनरोल्ड हैं, जो बेनिफिट जानते हैं इस फील्ड के, उनसे हमने मालूम किया। सो